हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव लाइफ। आज की वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान सुपर टेट के लिए अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो मेरा बाल मनोविज्ञान का नोट्स है उसको आपसे शेयर करूंगी थोड़े थोड़े पार्ट में करके। आगे भी इसके बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं और ये फर्स्ट पार्ट मैं आज शेयर कर रही हूँ। आइए देखते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपना नोट्स यहाँ पर शेयर करूँगी, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है। आइए देखते हैं मानसिक आयु। मानसिक आयु के विषय में विनय साइमन ने कहा है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इसे स्टर्न ने कहा है। और वहीं गुड़े 100 जोड़ दिया जाए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुड़े 100, तो इसको इस सिद्धांत को किसने दिया है? टर्मन ने दिया है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया है। इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, मानसिक आयु आ जाता है तो लोग स्टर्न बोल देते हैं, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुड़े 100 आ जाता है तो स्टर्न बोल देते हैं, लेकिन इनके सभी अलग अलग हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क के 3 स्तर हैं, कौन कौन से हैं? इदम, अहम, पराहम। आइए आगे देखते हैं। नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इसे कहा है वाइगोत्स्की ने। सृजनात्मकता में 3 तत्व हैं, कौन कौन से हैं? मौलिकता, नवीनता, आश्चर्य, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। 70 से कम मंद बुद्धि वाला किसे किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जिनकी IQ 70 से कम होती है वो बालक मंदबुद्धि होते हैं। आइए अब देखते हैं विकास की अवस्था। विकास की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो विकास की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था। इसकी टाइमिंग है जन्म से 6 वर्ष तक शैशवावस्था होता है, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होता है और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था होता है। यहाँ पर शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। अगर 2 भागों में बांटा जाएगा तो कौन सी अवस्था होंगी? पूर्व शैशवावस्था, उत्तर शैशवावस्था। जन्म से 3 वर्ष की जो अवस्था है वो पूर्व शैशवावस्था कहलाती है और 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। इसी तरह से हम जब शैशवावस्था को 3 भागों में बांटेंगे तो इसके 3 भाग हो जाएंगे, पूर्व शैशवावस्था, मध्य शैशवावस्था, पश्चिम शैशवावस्था। और इसकी टाइमिंग होगी जन्म से 2 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 2 से 4 वर्ष मध्य शैशवावस्था और 4 से 6 वर्ष पश्चिम शैशवावस्था आएगा। अब आगे देखते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की टाइमिंग है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की समय है 6 से 9 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था का समय है 9 से 12 वर्ष। और इसी तरह से जब हम बाल्यावस्था को 3 भागों में बांटेंगे तो होगा पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पश्चिम बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 8 वर्ष तक की जो अवस्था है, एज है, वो पूर्व बाल्यावस्था में आएगी और 8 से 10 वर्ष की जो अवस्था है वो मध्य बाल्यावस्था में और 10 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो पश्चिम बाल्यावस्था में आएगा। इसी तरीके से किशोरावस्था की जो टाइमिंग है 12 से 18 वर्ष है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, यह पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। यहाँ पर मैं लिखी नहीं हूँ लेकिन उत्तर किशोरावस्था भी है। पूर्व किशोरावस्था की टाइमिंग है 12 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था की टाइमिंग है 15 से 18 वर्ष। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब आइए आगे कुछ स्टेटमेंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। न्यूमैन के अनुसार, न्यूमैन ने कहा है कि 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है। फ्रायड ने कहा है छोटा मानव अपने 4थे और 5वें वर्ष पूरा बन जाता है। एडलर ने कहा है शैशवावस्था द्वारा जीवन का संपूर्ण क्रम निश्चित होता है। क्रो एवं क्रो ने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वॉटसन के अनुसार, वॉटसन ने कहा है शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में सबसे अधिक होती है। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट की हूँ, ऊपर ये भी देख लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को उत्पाती अवस्था कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि उत्पाती अवस्था किसे कहा जाता है तो आप बोलेंगे उत्तर बाल्यावस्था को। आगे देख लेते हैं, वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। शैशवावस्था जन्मोपरांत की प्रथम अवस्था है। स्पेंसर के अनुसार, स्पेंसर ने कहा है बालक खेल के द्वारा अपनी अतिरिक्त समय व्यय करता है। कार्ल ग्रुस के अनुसार खेलों के द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ऐसा कार्ल ग्रुस ने कहा है। स्टेनले हाल ने कहा है कि बालक के खेल
उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उसके पूर्वज करते आए हैं, ऐसा स्टेनले हाल ने कहा है। अब आगे यहाँ पर कुछ नोट है, उसको भी देख लेते हैं। 12 वर्ष की अवस्था में बालक मूर्त समस्या का समाधान करने तथा सलाह देने योग्य हो जाता है, जिस कारण से इसे सलाह की आयु भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने क्या जाना, जो 12 वर्ष की अवस्था है उसको सलाह की आयु भी कहा जाता है, तो इसको अच्छे से माइंड में ध्यान रखिएगा। मनुष्य में मनोविज्ञान मानसिक जीवन का अध्याय, इसे किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। गिलफोर्ड का विषय वस्तु आयाम यह क्या है, आइए देखते हैं। इस बीमा से तात्पर्य उस क्षेत्र से होता है जिसकी सूचनाओं के आधार पर संक्रिया की जाती है। इसके भी 5 भाग होते हैं। कौन कौन से 5 भाग हैं, इसको ध्यान में रखना है। पहला दृश्य, दूसरा श्रवण, तीसरा सांकेतिक, चौथा अर्थगत और 5वां व्यवहार परक। अब आगे देखते हैं गिलफोर्ड का उत्पादन आयाम। गिलफोर्ड का उत्पादन आयाम क्या है, आइए देखते हैं। इस बीमा से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया के परिणाम से होता है। इसके 6 भाग हैं। 6 भाग कौन कौन से हैं, पहला इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा पद्धतियाँ, 5वां स्थानांतरण और 6वां आशय। अब आइए देखते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास गार्डनर द्वारा 1983 में किया गया। इसमें गार्डनर ने यह सिद्ध किया कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर के बहुकारकीय होता है। गार्डनर ने मूलतः 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया है। 1998 में उन्होंने इसमें 8वां प्रकार तथा सन 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा। इस तरह से गार्डनर के अनुसार अभी बुद्धि के 9 प्रकार हैं। वो 9 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, 5वां है संगीतिक बुद्धि, 6ठा है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, 7वां है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि और 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि। तो ये हो गया बुद्धि के प्रकार गार्डनर के अनुसार। अस्तित्ववादी बुद्धि के विषय में आइए देखते हैं। इससे तात्पर्य मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को, जिंदगी, मौत तथा मानव अनुभूति के वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जानने की क्षमता से होती है। सुपर टेट के लिए बाल मनोविज्ञान का जो नोट्स है वो आगे की वीडियोज में पार्ट बाई पार्ट में शेयर किया जाएगा, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें।